रिवर जिला अस्पताल में उन्नयनीकरण कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर एसडीएम प्रदीप सोनी भी जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने पहुंचे। जिला चिकित्सालय में ओपीडी भी एक महीने में नवीनीकरण कर शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल ओपीडी बीमा अस्पताल में संचालित की जा रही है। अब मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी, एक महीने में ओपीडी का नवीनीकरण हो जाएगा। जैसा आपको पता है कि जिला अस्पताल सतत रूप से उन्नयनीकरण का काम कर रहा है, जिला प्रशासन की पूरी पहल है इसमें कि हम जिला अस्पताल को एक उस स्टैंडर्ड पर ले जा सकें ताकि सभी पूरे प्रदेश के लिए एक मानक बने। आप देख सकते हो ऊपर भी हमने बहुत सारा इसमें रिनोवेशन काम चालू किया हुआ है। अभी हमारा मैंने आज निरीक्षण किया, सारे जो हमारे क्लासमेट डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी अभी चूँकि कुछ दिनों के लिए हमने बीमा अस्पताल में शिफ्ट की थी, तो आने वाले एक महीने हम ओपीडी को रिनोवेट करके उसको चालू करेंगे। तो सारे जो डॉक्टर्स के साथ राउंड लेके ओपीडी रिनोवेशन का काम हमने चालू किया, तो बहुत ही जल्दी देवास को एक अच्छा सा ओपीडी मिलेगा। कमरे का रिनोवेशन करेंगे, फर्नीचर प्रोवाइड करेंगे नया, क्योंकि कम से कम 1000 लोगों का रोज़ यहाँ पे आना होता है ओपीडी में। तो डेफिनेटली 1000 लोग अगर आते हैं तो उनका पर्ची बनने से लेके डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद मेडिकल जो दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उसके लिए बहुत टाइम लगती है। तो उसको एक प्रॉपरली फ्लो बना के हम कोशिश करेंगे कि ना डॉक्टर्स को सारी सुविधाएँ मिलें यहाँ पर, और जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको प्रॉपर बैठने की जगह हो, उनको दवाइयाँ समय पे और अच्छी तरीके से उपलब्ध हो जाए, ये सारी हमारी कोशिश। कम से कम एक महीने का समय लगेगा और एक महीने में शायद हम एक बहुत अच्छी ओपीडी देवास को देखें। ठीक सर। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।